ध्यान दीजिएगा, हम बात करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल में जो होमवर्क वाली एक्सरसाइज थी उसमें कुछ बच्चों को डाउट्स हैं, समझिएगा। लाइंस एंड एंगल आपके पास सीट है, देखिएगा होमवर्क वाली जो एक्सरसाइज है उसमें प्रॉब्लम नंबर 9th देखिए, कुछ लोगों को 9th डाउट है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ट्राइंगल कुछ इस टाइप का है, देखिएगा ए बी और सी, बात समझिएगा। ये एंगल सी, ये एक्सटीरियर कितना आ गया 110, ये एंगल ए, ये एक्सटीरियर कितना आ गया 150 डिग्री, और ये क्या एक्स। जैसा कि आपको 8th क्लास में ही बताया गया है, पढ़ा होगा आपने, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। कैसा भी पॉलीगन हो, 3 साइड्स वाला, 4 साइड्स वाला, 6 साइड्स वाला, कितनी भी साइड्स हो किसी पॉलीगन में, उसमें सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसमें भी देखिएगा इन ट्राइंगल ए बी सी 150 डिग्री प्लस एक्स प्लस 110 डिग्री विल बी 360 डिग्री, समझिएगा। 150 एंड 110 कितना जाएगा 260 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, एक्स इक्वल कितना आएगा 100 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ किसी भी पॉलीगन में सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मेरे पास 3 एक्सटीरियर एंगल है, मैंने तीनों का सम रखा 360 डिग्री, तो मुझे अननोन वैल्यू एक्स मिल गई। कुछ दिक्कत है क्या, बताइए, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट डाउट देखिए, डाउट जरूर पूछना है, पूछे कम ही लोगों ने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 11, देखिएगा ध्यान से, डायग्राम है उसमें भी, हालांकि ज्योमेट्री में एक हेल्प तो ऐसे ही मिल जाती है कि डायग्राम गिवन रहता है, फिर आपको प्रॉब्लम टफ नहीं लगेगा, ठीक है, देखिएगा जल्दी से। 11th ये देखिए, ये समझिएगा, ये ए, ये बी, ये सी और ये क्या डी, ध्यान दीजिए। इधर पे एंगल कितना है 60 डिग्री, इधर एंगल कितना है 50 डिग्री, और ये अननोन है, इसका नाम ई है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, आपको ए बी भी दिख रहा है और सी डी भी दिख रहा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो सी बी का नाम क्या होगा, ट्रांसवर्सल, सी बी का नाम क्या होगा, ट्रांसवर्सल। और अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला भी क्या होगा, 60 डिग्री, क्यों होगा, बाई अल्टरनेट एंगल्स, ये मैंने इस पे ना इक्वल का साइन लगा दिया, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11th, एज गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है देन सी बी इज अ ट्रांसवर्सल, सी बी क्या है, ट्रांसवर्सल है, और अगर सी बी ट्रांसवर्सल है देन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, कैसे, अल्टरनेट एंगल्स, कैसे, अल्टरनेट एंगल्स, समझिएगा। इन ट्राइंगल चाहिए क्या, इसमें क्वेश्चन में लिखा होगा चाहिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ई बी, ए ई बी ये वैल्यू चाहिए है, ए ई बी, इसको मैं एक्स सेलेक्ट कर लेता हूं, ए ई बी को, इन ट्राइंगल ए ई बी क्या देख पा रहे हो आप, एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल बी, तीनों का सम कितना होगा बोलो, 180 डिग्री, ए की मेजर कितनी है 50 डिग्री, E को मैंने एक्स बोल रखा है, और बी की मेजर कितनी है 60 डिग्री, समझिएगा। आगे 110 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स 180, एक्स विल बी कितना 70 डिग्री, क्या प्रॉब्लम है बोलिए, एक्स कितना आ गया 70 डिग्री आ गया, मतलब ए ई बी कितना आ गया 70 डिग्री, इसी को मैं लिख देता हूं ए ई बी, ताकि आप क्वेश्चन से रिलेट कर पाओ, घबराओ मत, समझ में आ गया। ये 11th क्वेश्चन था, डायग्राम था, साफ साफ दिख रहा था, सारा का सारा इंटेंशन इस बात पे फोकस करो कि आपको गिवन क्या है और उस चीज को बोर्ड पे नोट कर लो, फिर आपको चाहिए क्या है उसको अपने दिमाग पर सेट कर लो, फिर देखो जो चाहिए है उससे रिलेटेड डायग्राम है क्या, उसको पहचानिए, महसूस कीजिए और आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए, बेहद सिंपल है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 14, क्योंकि मैंने 12th और 13th पहले भी डिस्कस कर लिए हैं एक्सरसाइज में, अपन अब होमवर्क में देख पा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 14, अच्छा क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है,
क्वेश्चन पढ़ें, सॉल्व करें। देखिएगा, ये इसमें एक लाइन है, ठीक है, कुछ नाम है इसका, इसका नाम है ए एफ। इसे पॉइंट दिए हैं, एक ए, एक सी, एक एफ। एक लाइन ए से जाती है, दूसरी सी से जाती है, और ऐसा कहते हैं कि दोनों पैरेलल हैं। चलो देखते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सी तो हालांकि बना था, सॉरी, ये ई है, और ये डी है, और ये एफ है, ठीक है ना। समझिएगा, क्वेश्चन में लिखा है ए बी इज पैरेलल टू ई डी। ये ए बी जो है ना, इस ई डी के पैरेलल है। समझ रहे हैं बात को, ये जो ए बी है वो इस ई डी के पैरेलल है। और क्या गिवन है, इधर पे मेजरमेंट है 62 डिग्री, इधर पे मेजरमेंट है 36 डिग्री, और इधर पे मेजरमेंट है एक्स। इसका अपन को पता नहीं, आगे समझ। क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोल रहा है। गिवन दैट, प्रॉब्लम नंबर 14 है ये, क्या गिवन है भाई, गिवन है ए बी इज पैरेलल टू ई डी। समझिएगा, ए बी और ई डी क्या है, पैरेलल है। अगर ए बी और ई डी पैरेलल है, देन ए सी इज इट्स ट्रांसवर्सल। समझ रहे हैं, ए सी क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। अगर ए सी ट्रांसवर्सल है, बात को समझिएगा, ये एंगल, इसको मैं वाई ले लेता हूं, समझिएगा ध्यान से, देन एंगल 62 डिग्री इज इक्वल्स टू वाई। क्यों, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल। इसका नाम मैंने जेड रखा हुआ है, ठीक है। वाई कितना आ गया, 62। एज वाई एंड जेड फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, या फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है तो लीनियर पेयर ही फॉर्म करेंगे। तो वाई प्लस जेड कितना होगा बोलो, 180 डिग्री। अब वाई की मेजर 62 है, तो जेड की मेजर कितनी होगी, जेड की मेजर होगी 118 डिग्री। कितना होगा बताइए, 180 डिग्री। जेड मिल गया आपको, अब हमें चाहिए है एक्स, और एक्स किस ट्राइंगल पे लाई कर रहा है, ई सी एफ में, ठीक है। ध्यान दीजिए आगे, इन ट्राइंगल ई सी एफ, ई सी एफ, अगर ई सी एफ की बात करता है तो एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ विल बी 180 डिग्री। एंगल ई का मेजर 36 है, एंगल सी का मेजर जेड, जेड का वैल्यू कितना, 108। समझ रहे हैं बात को, 108 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। ऐड करिए इनको, 36 एंड 8 कितना, 44, 54, 154 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स इक्वल कितना आएगा बोलिए, 26 डिग्री। एक्स कितना है बोलिए, 26 डिग्री। एक्स ही चाहिए था आपको, ये आ गई एक्स की वैल्यू। क्या मुश्किल लग रही, बताओ, क्या समझ नहीं आया, बताइए जल्दी से, क्लियर हो गया, बढ़िया, नोट कर लीजिए प्लीज, फिर नेक्स्ट डाउट देखते हैं, नोट कीजिए प्लीज। अब इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 18 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बन ही जाएगा, समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कहता है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है भाई, ये एक लाइन ए बी है और ये एक सी डी है, ये ए, ये बी, ये हो गया ए बी, ये सी और ये डी, ये हो गया क्या, सी डी, और इसी पे एक ये क्या बना है, ट्राइंगल बना है, ये पी है, ये ओ है, और ये क्या है, क्यू है। समझिएगा, इस एंगल को बोलेंगे वाई, इसको बोल रहे हैं एक्स, इसको जेड, मैं नहीं बोल रहा हूँ, डायग्राम ऐसा दिया है, समझिएगा। ये मेजरमेंट है 80 डिग्री और ये कितना है, 40 डिग्री। समझिएगा, क्वेश्चन में कहता है डिटरमाइन एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 17, 19, ये है क्वेश्चन नंबर 18। समझिएगा होमवर्क सीट का, गिवन, क्या गिवन है भाई, ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है।
अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ओपी का मतलब क्या, ट्रांसवर्सल, एंड ओपी इज द ट्रांसवर्सल। ओपी क्या बताइए, ट्रांसवर्सल। ए बी और सी डी पैरेलल है, ओपी क्या है, ट्रांसवर्सल। अगर ओपी ट्रांसवर्सल है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बोलो, 80 डिग्री अल्टरनेट एंगल्स, एंड जेड की वैल्यू क्या होगी, 40 डिग्री क्यों, अल्टरनेट एंगल्स, एंड एक्स वाई जेड फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। क्या बनाते हैं ये, लीनियर पेयर बनाते हैं। अगर ये लीनियर पेयर बनाएंगे देन इन तीनों का सम कितना होगा, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। हमारे पास x का वैल्यू कितना है 80, y का वैल्यू हमें फाइंड करना है, z का वैल्यू है 40, ऐड कर लीजिए, y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप ही देख पा रहे हो y कितना आएगा, 60 डिग्री। प्रॉब्लम क्या है भाई, x भी फाइंड कर लिया, y भी फाइंड कर लिया और z भी फाइंड कर लिया। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैथ्स बहुत ही आसान है और आपका बेसिक स्ट्रांग है तो ज्योमेट्री तो आपको परेशान कर ही नहीं सकती है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपसे ना बने। अब देखिए एक्सरसाइज में, प्रॉब्लम नंबर 20 में पहले डिस्कस कर चुका हूं, एक्सरसाइज में 21 में भी थोड़ी देर पहले कर दिया। अब देख लीजिए प्रॉब्लम नंबर 22, अच्छा क्वेश्चन है, मिटाएं इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 22 बहुत ही आसान है, डायग्राम पे फोकस कीजिए, डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। देखिएगा जल्दी से, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 22 कुछ इस टाइप का डायग्राम है, ठीक है ना, चलिए देखिएगा। ये टी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। समझिएगा, इधर पे 95 डिग्री है और इधर पे कितना है, 40 डिग्री। आप ये अपने आप फाइंड कर लोगे, ये फाइंड कर लोगे तो ये मिल जाएगा आपको, ये 75 डिग्री है, बहुत इजी है, समझिएगा। क्वेश्चन में गिवन, इन द गिवन फिगर लाइन सेगमेंट्स पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, आर एस एक स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्टेड टी सच दैट एंगल पी आर टी, पी आर टी कितना है बोलो, 40 डिग्री। एंगल आरपीटी, आरपीटी, आरपीटी कितना है, 95 डिग्री। एंड टीएसक्यू, टीएसक्यू कितना है, 75 डिग्री। फाइंड एसक्यूटी, एसक्यूटी मैं इसका नाम एक्स रख देता हूं, आसानी रहेगी, एसक्यूटी का नाम कितना है, एक्स। जल्दी बात करते हैं गिवन की, प्रॉब्लम नंबर 22, एंगल पी इज इक्वल्स टू 95, एंगल आर इज इक्वल्स टू 40, देन व्हाट विल बी द एंगल टी। सबसे पहली बात, P 95 है, R 40 है, T क्या होगा, इन ट्राइंगल पी आर टी, इन ट्राइंगल पी आर टी क्या होगा बोलो, P प्लस R प्लस T विल बी 180 डिग्री। P कितना बोलो, 95, R बोलो 40 और T पता नहीं हमें, ऐड कर लो जल्दी से, 145 डिग्री प्लस एंगल T इज इक्वल्स टू 180, एंगल टी इक्वल 180 माइनस 145, एंगल टी इक्वल कितना बचेगा बोलो, 35 डिग्री। क्या प्रॉब्लम बताइए, कितना आएगा एंगल टी, 35। इन ट्राइंगल टी एस क्यू, एंगल टी बराबर एंगल टी, क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला टी इस वाले टी के बराबर होगा। अभी ट्राइंगल की बात मत करो, ऐसा लिख दो एंगल पी टी आर, पी टी आर, पी टी आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी एस, ठीक है, पी टी आर किसके बराबर है, क्यू टी एस के बराबर है, पी टी आर किसके बराबर है, क्यू टी एस के, क्यों बराबर है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, समझ गए, कौन से एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब आपके पास क्यू टी एस की वैल्यू आ गई। ये टी कितना है, 35 है, तो ये भी कितना होगा बोलो, 35। डायग्राम में मत लिखना, मैंने लिख दिया याद रखने के लिए। अब इन ट्राइंगल कौन सा, क्यू टी एस, क्या मिलेगा, एंगल क्यू एक्स, एंगल टी 35, एंगल एस 75 इज इक्वल्स टू कितना, 180, एक्स प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180, देन एक्स विल बी 70 डिग्री। क्या प्रॉब्लम है, यही फाइंड करना था, एस क्यू टी,
SQT का नाम मैंने क्या रखा था, x, x की वैल्यू आ गई। क्या प्रॉब्लम बताइए, ट्राइंगल होगा तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, यही यही प्रॉपर्टी बार बार यूज होना है और आंसर आ जाना है। कोई दिक्कत लग रही बताओ, समझ आ गया बढ़िया से, जल्दी नोट कीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारा काम बेसिक का है। अगर आप ट्राइंगल पहचानते हो, अगर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल पहचानते हो, अगर आप कोरस्पॉन्डिंग पहचानते हो, कैसा भी क्वेश्चन आए, क्योंकि हमें लिखा रहता है क्या फाइंड करना है, ठीक है ना। हमें कुछ रॉ मटेरियल दिया है और हमारे पास डिजायर्ड क्वांटिटी भी मेंशन कर दिया कि हमको ये चाहिए है, डेफिनेटली हम उसको बना लेंगे। अब वो अलग बात है कि पहली बार बना रहे हैं थोड़ा सा कम अच्छा आएगा, दूसरी बार बना रहे हैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा आएगा, और बहुत बार बना चुके हैं तो एकदम परफेक्ट आएगा, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका काम है ट्राई करना, ज़्यादा टाइम लग रहा कम टाइम लग रहा इस पर फोकस मत करो। मैं शायद किसी चीज़ को 5 सेकंड में कर रहा हूँ, आपको 5 मिनट लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 मिनट लग रहे हैं लेकिन बन तो रहा है, देर आए दुरुस्त आए, टाइम कितना भी लगे बनना परफेक्शन के साथ चाहिए, ठीक है ना। चलिए मैं बात करने जा रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 25 की। इसमें कुछ दिया है और पूछता है फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है देख लेते हैं। डायग्राम दिया है, ये देखिए सी बी और ये क्या है ए डी, ये ए, ये डी, ये बी, ये सी, ये ए बी था और ये सी डी, समझ जाइएगा ध्यान से। इधर पे 90 डिग्री है, ठीक है, और इधर पे भी 90 डिग्री है। चलिए एक पर्याप्त हिंट इधर मिल गई, यहाँ पे एंगल कितना है x माइनस सिक्स, यहाँ पे कितना है x, यहाँ पे कितना है 4y और यहाँ पे कितना है 3y प्लस सिक्स। सिंपल है यार ये तो, है ना, इसका नाम O है। वी हैव टू ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड सी ओ डी एंड गिवन ऑल द एंगल्स ऑन डायग्राम एंड वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। नाउ वी हैव टू अप्लाई द क्या एंगल सम प्रॉपर्टी इन ईच ट्राइंगल, क्लियर। इन ट्राइंगल ए ओ बी वी हैव एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स माइनस सिक्स डिग्री, एंगल बी, एंगल डी सॉरी ए ओ डी, एंगल ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल्स टू एक्स। नाउ We have A plus O plus D is equals to 180 degree and value of angle A is given that x minus 6 plus angle O is 90 degree, angle D is x, then x and x 2x plus 90 minus 6 कितना होएगा 84 is equals to 180, then 2x is equals to 96, x will be 48 degree, x will be 48 degree. Now in triangle COB, in triangle COB we have angle C is equals to 4y, angle O is equals to 90 degree and angle B is equals to 3y plus 6 degree, clear. And we know that angle C plus angle O plus angle V will be 180 degree. Angle C means 4y degree plus 90 degree plus 3y plus 6 degree is equals to 180. 3y and 4y 7y plus 90 and 6 96 equals 180. 7y is equals to 84. Then y will be 12. 12 7 ja 84. Y will be 12. X ka value kitna aaya 48 degree aur y ka value kitna aayega 12 degree. बात को समझिएगा, अगर ये जो मेजर्स हैं अगर ये डिग्री में गिवन है तो x का वैल्यू सिर्फ 48 आएगा, y का वैल्यू सिर्फ, देखिए अगर इधर पे मैं डिग्री नहीं लगाता, अगर इधर पे मैं डिग्री नहीं लगाता तो x की वैल्यू डिग्री में आएगी, ठीक है ना। अगर मैं इधर डिग्री नहीं लगाता तो y की वैल्यू डिग्री में आएगी, लेकिन अगर मैं डिग्री लगा दूंगा तो y की वैल्यू बिना डिग्री की आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने डिग्री लगा दिया है इसलिए इस टाइप से आएगा, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए देख लीजिएगा, इस तरीके से हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करने का मौका था, दो दो ट्राइंगल थे और ट्राइंगल में मैंने जो है एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, समझ आ गया सबको बढ़िया से, जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज, नोट कीजिए। देखिए कुछ एक आधा और क्वेश्चन बता देते हैं। अब देखिए डायग्राम कौन सा 27, 28, 29 ये सब बनने वाले हैं, ईजी हैं, आसानी से बन जाएंगे। देख लो यार 29 देख लो, x का वैल्यू फाइंड करना, मिटा दें इसको, देखो चलो 29 देखो, अच्छे हैं
मुझे लगता है मैं मैक्सिमम क्वेश्चन करे दे रहा हूँ, है ना। 60-70 क्वेश्चन है होमवर्क में, मतलब 35 तो मैं ही करे दे रहा हूँ। हालांकि आसान है, बहुत आसान है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मैंने बताया इसके बाद भी अगर आपको डाउट आ रहा हो ना तो मैसेज कर दीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 29, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम भी शानदार है इसका। ये देख लीजिए, ये ए है, बी है, सी है, डी है, एम है, और एम का एक्सटीरियर एक्स है, और ये कितना है, 20 डिग्री है, समझ जाइएगा। ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। आपको सी नहीं पता, सी फाइंड कर लीजिए, सी चल जाएगा तो ये चल जाएगा, ये दोनों होंगे तो ये वाला मिल जाएगा, इसका एक्सटीरियर एक्स है, समझिएगा बात को। इन ट्राइंगल एबीसी, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, एबीसी, सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस ए बी और सी पे होना चाहिए। हमको मालूम है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, बोलो 180 डिग्री। ए का वैल्यू कितना बोलो, 30, एंगल बी कितना बोलो, 45, सी अननोन है, तो 75 प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सी कितना होगा बोलो, 105, एंगल सी कितना होगा बोलो, 105, समझ आ गया, 180 माइनस 75। अब एंगल सी के बाद की बात करो, इसको मैंने ना सी बोला, इसको मैंने वाई बोला, एंगल ए सी बी एंड एंगल वाई फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, कौन सा पेयर, लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर है तो क्या मिलेगा आपको बोलो, एंगल ए सी बी प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए सी बी का वैल्यू है 105, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 75। हालांकि एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती, मैंने बताई नहीं अभी आपको, मैं ट्राइंगल चैप्टर में बताऊंगा उसको, ठीक है। वाई का वैल्यू कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया वाई, ठीक है। अब समझिए, इसको मैं जेड बोल देता हूँ। इन ट्राइंगल एम सी डी, क्या देख पा रहे हो आप, एंगल वाई प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल जेड विल बी 180, तो एंगल वाई तो वाई है, ये 20 है, सॉरी वाई का वैल्यू आपके पास है, एंगल वाई कितना है, 75 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल जेड कितना आएगा बोलो, 180 माइनस 95, तो एंगल जेड कितना आएगा बोलिए, 85 डिग्री, एंगल जेड कितना आएगा बोलो, 85। एंड एंगल्स जेड एक्स फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, समझिएगा, अगर लीनियर पेयर बनाएंगे तो एंगल एक्स प्लस एंगल जेड कितना होगा बोलो, 180 डिग्री। अब एक्स प्लस जेड 180 है तो एक्स इक्वल क्या आएगा, 180 माइनस जेड, और जेड का वैल्यू कितना हो, 85, 180 माइनस 85 कितना बचेगा बोलो, 95। आ गई x की वैल्यू, चाहिए क्या था हमको, x। मैंने कहीं किसी को y माना, कहीं z माना, कुछ भी किया, उससे कोई लेना देना नहीं है, फाइनली क्या चाहिए था अपन को, x चाहिए था, और x का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 95 डिग्री। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना सारी प्रॉपर्टीज आपके पास है, बस अब आपको लगाते आना चाहिए, और वो भी आएंगी, कोशिश कीजिए, सारे क्वेश्चन बनेंगे। 57 थे होमवर्क में, ठीक है। चलिए 29th के बाद आगे देखते हैं, 32nd बता चुका हूँ पहले, मैं 33rd बता रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज, नोट कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 33, ये भी इजी है, मेनली डायग्राम है, डायग्राम पे फोकस कीजिए। पी क्यू और एस टी ये पैरेलल है, पी क्यू टी एस, समझिएगा, ये हो गया आपका ओ। अब ये मेजरमेंट 70 डिग्री है और ये एक्स है और ये 20 डिग्री है, चाहिए क्या अपन को, एक्स का वैल्यू चाहिए है। क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड क्यू पी आर 70 डिग्री, क्यू पी आर कहाँ है, क्यू पी आर ये आर है, ये 70 डिग्री है, और आर ओ टी, आर ओ टी 20 डिग्री है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज, एज
PQ is parallel to TS. PQ और TS क्या है? Parallel है. तो ये दोनों एंगल कहलाएंगे को इंटीरियर एंगल. इसका नाम मैं Y रख देता हूं. देन Y प्लस 70 डिग्री कितना होगा बोलो? 180 डिग्री. अगर ये दोनों पैरेलल है तो Y प्लस 70 क्या होगा? 180 डिग्री. तो Y क्या होगा बोलो? 110 डिग्री. समझ में आ गया? Y कितना होगा? 110 डिग्री. आगे समझिएगा. अब ये Y है तो ये भी क्या होगा? Y. एंड एंगल TRO इज इक्वल्स टू एंगल SRP. क्यों भाई इक्वल क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. आगे समझिएगा. इन ट्राइंगल ROT में क्या आएगा बोलो? Y प्लस 20 डिग्री प्लस X. इन तीनों को मिलाए कितना होगा? 180 डिग्री. Y की मेजर कितनी है? 110 प्लस 20 प्लस X कितना आएगा बोलो? 130. तो X का वैल्यू कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री. कितना बचेगा? 50 डिग्री. इस तरीके से आपके सामने X की वैल्यू आ गई. X ही चाहिए था. क्या मुश्किल लग रहा बताइए? सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, डायग्राम बनाइए, प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, चलिए आगे देखिए. अब प्रॉब्लम नंबर 37 बताएं इसको. प्रॉब्लम नंबर 37 बहुत ही आसान है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ठीक है ना, सब बन जाएगा. देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 37. इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस आर इन द रेशियो 3:2, देन फाइंड द ग्रेटर ऑफ द एंगल्स. ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है. ठीक है, और इसके एक ही साइड के दो इंटीरियर एंगल. ठीक है ना, मान लो ये एक्स है और ये क्या है? वाई. गिवन दैट, क्या गिवन है बोलिए? एक्स और वाई का रेशियो 3:2 है. समझ रहे हैं बात को? एक्स और वाई का रेशियो क्या है? 3:2. देन एक्स इक्वल 3k और वाई इक्वल 2k. लेट, ठीक है ना, मैंने लेट कर लिया. x की वैल्यू 3k है और y की वैल्यू क्या है? 2k. हम देख पा रहे हैं ये को इंटीरियर एंगल्स हैं. एज x एंड y आर को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स तो क्या होगा बताइए? इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री. कितना होगा बोलिए? 180 डिग्री. x की मेजर 3k और y की मेजर 2k. सम कितना होगा? 180. 5k is equals to 180. तो k का वैल्यू कितना हो गया? 36 डिग्री. k कितना आ गया बोलिए? 36. अब k का वैल्यू 36 है. देन x is equals to 3k, मतलब 3 into 36. x कितना आ गया बोलो? 108 डिग्री. और y कितना है? 2k, मतलब 2 into 36. कितना आ गया बोलो? 72 डिग्री. क्या समझ नहीं आया बताइए? इस तरीके से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. क्यों? x रेशियो y आपके पास 3:2 है. डायग्राम आपके सामने, जैसा क्वेश्चन में कह रहा था, आप देख पा रहे हैं ग्रेटर एंगल 108 डिग्री है. पूछ रहा था ना ग्रेटर कौन सा होगा? 3k होगा. ऑब्वियसली 3k कितना है? 108. कोई प्रॉब्लम लग रही बोलो? आ जाएगा. चलिए अब देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 42. अच्छा क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 42. जल्दी से इसको नोट कर लीजिए. अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 42. इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी एफ. सबसे पहले हमने ये ट्रायंगल बना लिया ए बी सी. ए बी सी ठीक है ना, और ये एक लाइन है सी एफ और ये एक लाइन है बेस के पैरेलल. ये सी डी है और ये क्या है? एफ ई. समझिएगा, यहां पे एंगल है एक्स. घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है.
ये एंगल है 40 डिग्री और ये एंगल है कितना 65 डिग्री। एक बार जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी एफ, ये और ये दोनों क्या है पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसका नाम क्या होगा ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे इक्वल, ये दोनों कैसे होंगे इक्वल। दूसरा गिवन है सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ये दोनों इक्वल, ये दोनों क्या है पैरेलल है, ये दोनों क्या है पैरेलल, तो ये क्या होगा ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल, क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल। बहुत ही प्रॉपरली नोटिस करने वाली चीज है, देखिएगा ये 40 ये 65, ये ए बी और क्या सी एफ पैरेलल है। एज ए बी पैरेलल टू सी एफ, एंड जब ए बी और सी एफ पैरेलल है बी सी इज इट्स ट्रांसवर्सल। बी सी क्या है इसका ट्रांसवर्सल है। अगर बी सी ट्रांसवर्सल है तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा एंगल वाई। देखिएगा ए बी और सी एफ पैरेलल है, बी सी इसका ट्रांसवर्सल है। अगर बी सी ट्रांसवर्सल है तो 40 डिग्री किसके इक्वल होगा वाई के, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 40 डिग्री। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। आगे आ जाओ, एज एफ इज पैरेलल टू सी डी, एफ पैरेलल टू सी डी, अगर एफ और सी डी पैरेलल होंगे तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। ये कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कैसे बोलो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आ गया समझ में भाई, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एक्स इक्वल क्या होगा जेड। आगे समझिए, एंड 65 डिग्री वाई एंड जेड, 65 डिग्री वाई एंड जेड फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। क्या बनाते हैं लीनियर पेयर बनाते हैं। अगर ये लीनियर पेयर बनाएंगे तो क्या होगा बोलो 65 डिग्री प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 180। 65 डिग्री प्लस वाई का वैल्यू कितना है बोलो 40 डिग्री प्लस जेड, आगे देखिएगा 105 प्लस जेड, जेड को तो एक्स बोलना है ना अपन को, एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 105, एक्स का वैल्यू कितना आ गया बोलो 75 डिग्री। एक्स और जेड सेम है, मालूम है ना आपको, इस तरीके से आपके सामने एक्स की वैल्यू आ गई। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब बेहद सिंपल है। डायग्राम देखें और प्रॉपर्टीज को फोकस करें, पैरेलल लाइन कहीं करस्पॉन्डिंग कहीं अल्टरनेट कहीं वर्टिकल अपोजिट, बहुत ही सिंपल है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ में आ गया, जल्दी इसको नोट करिए फिर नेक्स्ट बताते हैं। देखिएगा 41 भी बन जाएगा आपसे, 41 भी एकदम सिंपल है, वही पैरेलल वाली प्रॉपर्टी लगानी है। देखिएगा अब मैं कर देता हूं प्रॉब्लम नंबर 46, 46 भी बन जाएगा यार, 90 डिग्री है, बाकी बचे हुए एंगल आप देख लीजिए कहीं पैरेलल परपेंडिकुलर यही सारी प्रॉपर्टीज लगनी है घूम फिर के। देखिएगा 47, 48 सारे बन जाएंगे, 50 देख लीजिए, 50 बन जाएगा भाई, 50 भी इजी है, 51 सब इजी है, सब बन जाएंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोशिश कीजिए। ये जो बाइसेक्टर वाला है ना 56 57, मैंने बाइसेक्टर वाला एक क्वेश्चन करके दिखाया था आपको, दिखाया था ना, फाइंड द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द बेस एंगल बी और सी का बाइसेक्टर 90 प्लस ए बाई 2 आया था, करिएगा आप बन जाएगा। ये बाइसेक्टर वाले क्वेश्चन मैंने टाइप 3 में बता रखे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बाइसेक्टर वाले क्वेश्चन टाइप 3 से देख लीजिए अगर आपको दिक्कत जाए तो, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने आपको होमवर्क के भी मैक्सिमम क्वेश्चन बता दिए हैं, आप घर पे कोशिश कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं बन पा रहा है तो मुझे वापस से मैसेज कीजिएगा। होमवर्क के अंदर अगर 57 प्रॉब्लम है, जितनी वैरायटी मैंने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में डिस्कस की थी वही क्वेश्चन है। हाँ कई बार ऐसा होता है कि आपका ब्रेन चेक करने के लिए एक आध दो चार प्रॉब्लम थोड़ा हाई स्टैंडर्ड डाले गए हैं, बस इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोशिश कीजिए नहीं बनने पर हमसे डिस्कस कीजिए, ठीक है ना। और कोई मुश्किल तो ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने अभी तक बताए हैं इनको ध्यान दीजिए और बचे हुए होमवर्क के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करिए, जो भी डाउट हो कॉल मैसेज करिए, ठीक है ना। चलिए।